more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. मतलब बैंक्वेट के बाहर जा रही है, पहले सबको हाय तो बोल दो। हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। कुल्फी तुम्हारे आते ही सबको टेबल पे कुल्फियां मिल गई। कुल्फियां जरा ऊपर कर दें हम एक बार, क्या बात है। पर ये तो बताओ, तुम कुल्फी बांट रही हो और इतनी कूद कूद के नाच रही हो, ये कौन सी न्यूज है जो तुम सबको देना चाहती हो? हमें भी बता दो ना प्लीज। मैंने चिरौली से सफर किया यहाँ तक। पहले मैं गाना गाती थी, फिर माँ मुझसे दूर हो गई, फिर मैं अकेली रहती थी, मामा मेरी हेल्प करते थे, फिर मामा ने मुझे लड़का बनाया, मैं लड़का बनी और ट्रेन से ट्रैवल करते करते यहाँ मुंबई आ गई और मेरा अपना कोई नहीं था, सो आई एम वेरी सैड। और फिर मैं सिकंदर जी के घर पहुँची, सिकंदर जी के घर पहुँची, वो मुझे मिले, आई एम जस्ट लाइक वाओ। जिन जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने संगीत सीखा है, वही आज मेरी आंखों के सामने है, तो आज मेरे लिए इतना अच्छा मौका क्यों है? यू नो क्यों है? क्योंकि आज मुझे मेरे बाबा का पता चल गया है, कौन मेरे बाबा है। वाओ, सच में बाबा का पता चल गया है? लेकिन हम सबको ये कब देखने को मिलेगा कि बाबा का पता तुम्हें कब चला है? ये सब अगर आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कुल्फी कुमार बाजी वाला 8:30 बजे स्टार प्लस पर 5 दिसंबर। क्या बात है, 5 दिसंबर को हमें फाइनली पता चल जाएगा कि कैसे कुल्फी को अपने बाबा का पता चलता है। तो प्लीज देखना ना भूलिएगा, 5 दिसंबर 8:30 बजे कुल्फी कुमार बाजे वाला। वाओ, सुपर हैप्पी या सुपर? अच्छा, वैसे तो हम सब बहुत बिजी रहते हैं, राइट? और बहुत कम मौके मिलते हैं अपने पापा से कहने के लिए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुल्फी बहुत सारी बेटियाँ हैं और उनके पापाज हैं, और उन्होंने ना अपने पापा के लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज तैयार किया है। तो दिखा दें सबको सरप्राइज, क्या कहते हो? यस, लेट्स गो देयर। पेट बेचारा भूख का मारा। So big clap to all the lovely fathers and daughters here. हमारी प्यारी बेटियाँ एंड पापाज, ये प्यारा सा सरप्राइज, सारे जो खूबसूरत सी पिक्चर्स हैं, आई एम श्योर हर एक का इमोशन, हर एक की अटैचमेंट, हर एक की मस्ती बाहर लेके आ रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स है ना, कितनी अच्छी जी। और देखो वहाँ पे सब लोग बातें ऑलरेडी कर रहे हैं कि कौन पिक्चर में कहाँ दिख रहा है, स्पेशली अपने पापा को सब दिखा रहे हैं। देखो हमारी पिक्चर वहाँ है, हमारी पिक्चर वहाँ है। यस, कैन वी क्लैप फॉर ऑल द पापास एवरीवन। अच्छा, ये इतने खूबसूरत लेटर्स जो ब्यूटिफुली पापास के लिए परियों ने लिखे हैं, अ बिग बिग थैंक यू। लेकिन कुल्फी, तुम्हें पता है कि जिन्होंने ये लेटर्स लिखे हैं और जिनकी ये फोटो है, वो एक्चुअली में हमारे साथ यहाँ बैठे हैं? बात करें उनसे चल के। चलो, लेट्स गो। किसके पास है? किसके पास? ये देखो, ये तो ऑलरेडी परी लग रहे हैं। हाय, हाय कुल्फी, हाय यू। आपका नाम? आई एम चारुल। सेम कलर एंड दे बोथ आर लुकिंग लाइक परीज टुगेदर, बिल्कुल सेम। चारुल, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा इज राइट हियर। दे शेयर द सेम स्माइल, इनकी मुस्कुराहट बिल्कुल सिमिलर लग रही है। सो पापा, कुल्फी, कुल्फी कुमार बाजे वाला। तो कुल्फी जो है हमेशा चहकती रहती है और गाने गाती रहती है, लेकिन आई एम श्योर चारुल के साथ आपकी बचपन से अब तक कोई ऐसी नटखट बात जिसपे गुस्सा तो आता है लेकिन गुस्से से ज्यादा प्यार आता है, यू नो समथिंग? एक्चुअली गुस्सा कभी नहीं आया चारुल पर, क्योंकि चारुल इतनी अपने काम में लगी हुई थी बचपन से ही। शी वॉज सो डिवोटी ऑफ
हर ओन वर्क। आर्ट बचपन से ही इनके अंदर रही है, क्योंकि इनकी मम्मी भी आर्टिस्ट थी बहुत बड़ी, सिंगिंग और डांसिंग का उनका यूनिवर्सिटी लेवल पे वो बेस्ट सिंगर बेस्ट डांसर रही। और पर चांस मैं भी मैं डांसर तो नहीं था, आई वाज एक्टर। शी इज लॉ ग्रेजुएट। इसने कभी जिस मीडिया में ये आज है वो कभी कोई कोर्स नहीं किया इसने। शी वाज एक नेचुरल आर्टिस्ट है, बचपन से ही, अब घर से ही सीखा सब कुछ, घर की गाइडेंस है और अपने काम मेहनत से ये इस मुकाम पर पहुंची है। जबकि लॉ ग्रेजुएट्स है वो, लेकिन लॉ का कुछ नहीं किया, सिर्फ मीडिया में लॉ करते हुए ही मीडिया में आ गई थी। इसे सब इसका अपना टैलेंट है। तो कुल्फी चिरौली से आई, हम चंडीगढ़ से आए। और एक और चीज और है, एक और है, चारुल अकेली नहीं है, ट्विन सिस्टर हैं ये, एक और भी है, शी इज इन यूएसए। डबल धमाका। और इनको पालने में हम लोगों ने जो एंजॉय किया था लाइफ में वहीं से शुरू हो गया था इनका आगे बढ़ना। तो इनका तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ी तालियां तो बनती हैं। थैंक यू चारुल, थैंक यू। वैसे तारीफ सुन के पता चल जाता है कि पापा के लिए उनकी परी सबसे सबसे स्पेशल होती है। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू कुल्फी। अब किसके पास जाएं, अब किसको पकड़ें? तुम अपने बाबा के लिए क्या फील करती हो? प्यारे सिकंदर जी, चिरौली ना एक छोटू सा पिंड है, चिरौली एक छोटू सा पिंड है। दो बारी माता रानी की आरती गाओ उतनी देर में खत्म हो जाता है। इतने छोटू से पिंड में चिरौली में भी इतने सारे बच्चे रहते थे, इंसान के, गैया के, चिड़ैया के, बकरी के, बैल के, सबके, और उन सबके बाबा भी हैं। पता है मेरे जितने बच्चे उन सबके बाबा उन्हें रोज सुबह स्कूल छोड़ने जाते थे। और चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती थी, चिड़ू जी अंडों पे बैठते थे, और पिल्लों के आसपास से कभी भी कोई गाड़ी गुजरती थी तो उनके बाबा कुत्ता जी उन पर भोंकते थे। और बिल्लों के भी बाबा है, बिल्लों के बाबा मोटे सांड गब्बर, और पता है वो थोड़े से लड़ाकू भी है इसलिए मैं उनसे डरती हूँ, और बात बात में सीख भी दिखाते हैं। जब सबके बाबा है तो मुझे भी मेरे बाबा चाहिए, ताकि वो मेरी सारी परेशानी को ना यूं चूरन चिटा दे, और जब मैं सोऊं और फिर उठ जाऊं डर के तो वो खाट के नीचे डंडा मार के कहे कि कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है, आप फिर से सो जाओ, मेरी सारी परेशानी दूर करे, मुझसे बहुत प्यार करे, जब भी मैं कोई बदमाशी करूँ तब मुझे डांटे और खूब प्यार करे, मेरी किताबों पर जिल्द चढ़ाए, मुझे स्कूल भेजे, बहुत प्यार करे मुझे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं जिनको अपने सपनों में बाबा मानती हूँ वही मेरे बाबा होंगे, जो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं वही मेरे बाबा होंगे, जिनको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ वही मेरे बाबा हैं। सिकंदर जी आप ही मेरे बाबा, पर बाबा का मिलना भी ना इतना बड़ा स्यापा है, मैनू तो समझ ही नहीं आ रहा अब सिकंदर जी को अपना बाबा कहूँ तो कहूँ कैसे। सिकंदर जी आप ही मेरे बाबा, आपकी बेटी कुल्फी। कुल्फी तुम्हारे लेटर में ना तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट सारा प्यार बाबा के लिए पूरा बाहर आ गया है, एंड आई एम श्योर ये प्यार हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कौन सी डेट पे एक बार फिर से बता देते हैं? 5 दिसंबर। दैट्स राइट, 5 दिसंबर को मिलते हैं, जानते हैं कि कुल्फी को कैसे पता चलता है उसके बाबा कौन है, तो देखना ना भूलेगा। कुल्फी कुमार बाजेवाला, बिग बिग थैंक यू। थोड़ी तालियां तो बनती हैं एवरीवन कुल्फी के लिए, इसकी चहकती हुई मुस्कुराहट के लिए, आवाज के लिए। एंड यस प्लीज ज्वाइन अस आवर लवली मीडिया, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब फोटो अपॉर्चुनिटी और बाइट्स के लिए आगे आ सकते हैं, धन्यवाद। प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर पोस्ट दैट। अ बिग थैंक यू फ्रॉम द होल टीम ऑफ कुल्फी कुमार बाजेवाला। 5 दिसंबर को ये एक नया सफ़र जो है शुरू होगा,
the best highlight of our show, ladies and gentlemen, 5th December. Thank you. Bahut bahut shukriya. कुमार बाजे वाला ट्रेलर या फिर अनाउंसमेंट हम कह सकते हो चुका है, तो आप बताइए आप कितनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमने जितनी भी एवी देखी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप। हाँ, अच्छा काम किया है आपने, तो आप बताइए कि ऑन एयर होने वाला है, आप कितने एक्साइटेड हो? हाँ, तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी सुपर एक्साइटेड हूँ कि जब ये आएगा लोगों को अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन सब बहुत खुश होंगे देखकर। लोगों ने आपके शो को काफी पसंद किया है, टॉप 5 का शो है स्टार प्लस का, टॉप 1 का है, टॉप 1 का भी है, बट हाउ यू सी लॉट ऑफ एप्रिसिएशन यू आर गेटिंग फ्रॉम द योर फैंस, फैंस के एप्रिसिएशन को कैसे देखते हैं आप? तो वो फैंस के एप्रिसिएशन, वो मुझे बहुत एप्रिसिएट करते हैं कि बहुत अच्छा करते हो आप, वेरी गुड, गुड जॉब, ऐसे ही करते रहो, तो मैं भी उनको रिप्लाई करती हूँ थैंक यू वेरी मच, एंड वो मेरा शो देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, उनकी वजह से ही मेरा शो है अभी। सेट पे मैं सबसे ज़्यादा मस्ती सबके साथ करती हूँ, मैं मस्ती मैं करती हूँ मस्ती सबसे ज़्यादा मैं जॉनी के साथ करती हूँ और मायर के साथ। स्कूल में तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है सच में, मतलब एक दिन मैं स्कूल गई थी, क्या हुआ मैं स्कूल गई, पूरा पूरा स्कूल मेरी क्लास के बाहर था। बच्चे सारी क्लास वाले बच्चे बोल रहे थे ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ, मम्मा के लिए, भैया के लिए, बहन के लिए, दीदी के लिए, सबके लिए। तो आप बड़ी स्टार बन गई ना? हाँ। ओके, जब ये आपका शो आपकी मम्मी डैडी ने देखा, वो क्या कहते हैं आपको ये शो देख के, वो आपको क्या कुछ टिप्स देते हैं? वो टिप्स देते हैं कि जो भी मेरा थोड़ा सा भी अच्छा नहीं हुआ उसको और बेटर कैसे करूं मैं, उसको और भी अच्छा कैसे करूं मैं, इमोशंस अच्छी कैसे लाऊं मैं, वो सब। 5 दिसंबर को क्या अलग होने वाला है वो बता दीजिए। 5 दिसंबर को आएगा एक बहुत ही अनोखा सा एपिसोड, तो वो प्लीज़ मिस ना करें और देखिए कुल्फी कुमार बाजे वाला। एक गाना हो जाए कुल्फी का, उसकी आवाज़ ख़राब है। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.